तो दोस्तों आज बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी में एक रिजल्ट, एक वैकेंसी और वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी भाई हमारे चैनल पे अभी नए विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये जो न्यूज़ है सभी के पास सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी न्यूज़ है बच्चों के लिए। चलते हैं न्यूज़ की तरफ, न्यूज़ देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए जा चुके हैं जो ट्रेंड भी कर रहे हैं इस टाइम यूट्यूब पे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट को लेकर। लेकिन देखिए मैं जितने वीडियो बनाया मैं उसमें से किसी भी वीडियो का कोई समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिलती है वो ऑफिशियली मिलती है, सही और सटीक मिलती है। मैं किसी सोर्स पे डिपेंड नहीं रहता हूँ कि उसने बताया है वहाँ से पता चला है यहाँ से हुआ, ऐसा कुछ नहीं। एक बात मैं आपको बता दूँ वीडियो वाले भाई, ध्यान दीजिएगा, 2 मार्च को धरना है, ठीक है, 2 मार्च को शेड्यूल बताया जा रहा है वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। कहीं ऐसा ना हो कि धरने को असफल करने के लिए ये योजना बनाई गई है कुछ ग्रुप द्वारा, चाहे जो भी चाहे किसी भी माध्यम से बनाया गया हो, तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा। बात किया जा रहा है वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट के बारे में और शेड्यूल के बारे में। देखिए तो शेड्यूल तो अभी तक तो नहीं आया है, अधीनस्थ सेवा चयन को मैंने बात भी किया तो उन्होंने इससे साफ नकार दिया है, कह रहा तैयारी चल रही है, देखिए आपको जल्द से जल्द अपडेट मिलेगा। लेकिन मैंने पूछा आजकल में, तो उन्होंने इस मैटर को साफ नकार दिया है। लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, जब तक मेरे चैनल पे या मेरे माध्यम से आपको वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब तक हमारे चैनल पे आपको अपडेट नहीं मिलेगा मैं समर्थन नहीं करूँगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट होगा। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि मैं यही बोलूँगा कि 101% वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 मार्च से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। शेड्यूल जारी किया जा सकता है, जो मैं आपको दिखा होगा, मैंने देखिए जो वीडियो का एक कैलेंडर आया था तो उसमें बात कही गई थी कि मतलब महीने में हो सकता संभावित स्टार्ट हो जाए चाहे ना हो। लेकिन मैंने आपको पहले 2 या 4 चाहे 4 या 5 जनवरी का एक वीडियो होगा, फरवरी का आप देखे होंगे, मैंने उसमें साफ साफ बता दिया कि देखिए वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, महीने के लास्ट में एक अपडेट देगा। तो बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे बोले थे नहीं 2 4 5 10 दिन में अपडेट मिल जाएगा, वैकेंसी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब जाके मैटर क्लियर हुआ, जल्द से जल्द आपको हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट मिल जाए, लेकिन 2 मार्च का समर्थन मैं नहीं करता हूँ, सबसे पहली बात, ठीक है। अब आगे आपके ऊपर जो डिपेंड है, आप विश्वास कीजिए ना कीजिए आपकी अलग की बात है, लेकिन मैं 2 मार्च का एकदम पूर्ण रूप समर्थन नहीं कर, ये एक फेक न्यूज़ है। चलते हैं सीधे अगले न्यूज़ की तरफ, जो आपका वैकेंसी से है, वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं, वैकेंसी के मैटर में क्या चला, वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, मैंने डायरेक्टली बात किया है, उन्होंने बताया कि 5 मार्च के बाद वैकेंसी पे मुहर लग जाएगी, जहाँ तक उम्मीद बताई जा रही 90% कौन सी है, स्टेनोग्राफर की भर्ती है। वैकेंसी कितनी होगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन वैकेंसी 500-700 के करीब आने वाली है, यही वैकेंसी बताई जा रही है। जो बच्चे स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल हैं वो तैयारी में लग जाइए, फॉर्म भरने के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए लग जाइए, ठीक है दोस्तों। तो बस तैयारी में लगे रहिए, 5 मार्च के बाद आपको अपडेट मिल जाएगा, जो यूपी ट्रिपल एससी से पहले मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा कि वैकेंसी कब आ रही है। जैसे संभावित तिथि 5 मार्च बताई जा रही है, 5 से 10 के बीच में हो सकता जारी हो जाए। रिजल्ट के बारे में अपडेट देता हूँ, रिजल्ट के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा रिजल्ट आने वाला, तो लोअर सबॉर्डिनेट 2016, ठीक है, एग्रीकल्चर TA, मंडी परिषद रिजल्ट, इसी बारे में बात चर्चा चल रही है। देखिए ये रिजल्ट है, क्या ये फाइनल रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट अलग मैटर, देखिए इंटरव्यू का मैटर अलग हो गया, लेकिन फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यही इन्हीं रिजल्ट पे काम चल रहा है। तो अधीनस्थ सेवा चयन जब जारी करेगा, चाहे करने वाला होगा, मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा, 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपको एक अपडेट देखने को यूपी ट्रिपल एससी अपने वेबसाइट पर डाल देगा, जो वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। बस चैनल पर अभी तक यही था, जल्द से जल्द कोई अपडेट होगा यूपी ट्रिपल एससी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।